जय श्री राम। स्वागत है चैनल में। और आज का वीडियो है एल्डर स्क्रोल ऑनलाइन का स्टीम डेक परफॉर्मेंस टेस्ट। तो वीडियो शुरू करने के पहले अगर मेरा सामान का इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो सब डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। और इस वीडियो के लिए मैं गेम पैड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मीन्स एक्सटर्नल गेम पैड, मीन्स लाइक जो स्टीम डेक का गेम पैड का बात नहीं कर रहा हूँ, मीन्स लाइक उसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं ना एक्सबॉक्स का कंट्रोलर, वो यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस गेम खेलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। वो एक्सटर्नल लगाने से क्या बात है मुझे पता नहीं, मैं चलता है लेकिन एक थोड़ा छोटा प्रॉब्लम होता है। और जब भी मैं स्टीम डेक में परफॉर्मेंस टेस्ट करता हूँ तो यूजली गेम जो ग्राफिक सेटिंग खुद से चूज करता हूँ वही यूज करता हूँ, मैं कुछ चेंज नहीं करता हूँ एक्सेप्ट फॉर फ्यू थिंग्स, जैसे कि अगर मोशन ग्लेयर ब्लर है यानी और फिल्म ग्रेन है तो मैं उसे स्विच ऑफ करता हूँ, मैं वो इफेक्ट एकदम पसंद ही नहीं मुझे। और स्टीम डेक का जो फैक्ट्री सेटिंग है मैं वही यूज करता हूँ। और एक बात है कि आप देख रहे हैं कि एल्डर स्क्रॉल ऑनलाइन और इसके गेम इन्फो में आप देख सकते हैं ये अनसपोर्टेड लग रहा है, लेकिन मगर ये अच्छी तरह चलता है। अनसपोर्टेड क्या के लिए है पता नहीं। हाँ थोड़ा मीन्स लाइक इंस्टॉलेशन करने में थोड़ा इसका एक छोटा सा केवियट है, आप सिंपली इंस्टॉल कर नहीं सकते हैं, लेकिन उसका है उपाय, मगर ये मैं इस वीडियो में नहीं बोल रहा हूँ। मैं उसका वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, एक अलग सा वीडियो है, वो मेरा वीडियो नहीं दूसरा का वीडियो है, अच्छी वीडियो है, वहाँ पे एक्सप्लेन करता है कैसा इंस्टॉल करना है और क्या क्या चीज़ करना है, तो वो आप देख लें। और एक बात है कि अगर आप ये वीडियो तो मैं 60 हर्ट्ज में रन करूँगा, मगर आपको लगेगा ये 30 हर्ट्ज है, क्योंकि मेरा जो USB हब है जो कैप्चर कार्ड में कनेक्ट होता है वो सिर्फ 30 हर्ट्ज का है, तो मेरा कैप्चर कार्ड 60 FPS है, मगर लेकिन हब के लिए बॉटलनेक होके वो सिर्फ 30 FPS में रिकॉर्ड होता है, तो आपको देखने में लगेगा 30 FPS है, मगर स्टीम डेक में आराम से वो 60 हर्ट्ज करीबन रन होता है। तो इसी को देख के चलो वीडियो शुरू करते हैं, आगे लेते हैं वीडियो को। तो हम ये रन करते हैं। वीडियो में इतना लंबा नहीं रखूंगा, क्योंकि मुझे सब वीडियो 10 मिनट के अंदर रखना चाहता हूँ। अभी लॉन्च तो कभी कभी टाइम लग जाता है लॉन्च होने में, स्पेशली ऑनलाइन गेम में सिंक कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सिंक का कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि आपको ये सिंक करना नहीं पड़ता है क्योंकि ये ऑनलाइन है, तो आपका सेव एज पे ऑनलाइन ही। तो ये है उसका लॉन्चर आता है पहले, जो आपके आप इसको टच स्क्रीन से एक्टिवेट करना चाहते हैं। थोड़ा मेरा लॉन्चर का एक थोड़ा मीन्स लाइक प्रॉब्लम है कि मोस्ट लॉन्चर आपको टच स्क्रीन से ही करना पड़ता है, वो मीन्स लाइक आपका वो जो ट्रैक पैड है उससे माउस कंट्रोल नहीं होता है। और ये गेम अगर खेलने में एक चीज़ मुझे कहना है, क्योंकि आप अगर इसे आप नॉर्मली स्टार्ट किया और खेलोगे तो आप गेम में बीच बीच में आपको थोड़ा शटर शटर मीन्स लाइक आपको प्रॉब्लम होगा, तो उसे शटर को आप मिटाने के लिए क्या करना है, क्योंकि आप देख रहे थे ना लॉन्चर और गेम स्टार्ट हुआ, तो ESO का ये प्रॉब्लम है कि जब गेम चल रहा है तो लॉन्चर भी चलता है उसमें, तो आप क्या करें लॉन्चर जाइए, ये देखा ना ज़ेनिमैक्स, उसे सिलेक्ट कीजिए और क्लोज विंडो कीजिए, थोड़ा रुकना पड़ेगा। तो ये देखिए लॉन्चर बंद हो गया। अगर आप लॉन्चर ऑन के खेलेंगे तो आप गेम खेलने में आपको शटर बहुत मीन्स लाइक आपको प्रॉब्लम देगा। तो पहले सेटिंग्स आके देखते हैं।
अभी सेटिंग्स कैसा देखता था पता नहीं, लेकिन सेटिंग्स का सब पूरे डिफॉल्ट में है। आ एक मिनट को आप देखिए, मैं पूरा ये 60 FPS और TDP लिमिट में लिमिट ऑफ करके खेल रहा हूँ। अनाउंसमेंट में क्यों ये पूरा कास्ट है ESO का। मेरा लेवल क्वाइट लो है, क्योंकि अभी नॉर्मल एवरेज जो लोग है उसका 3000 CP पॉइंट्स है, मेरा सिर्फ 800 है। तो ये देखिए, मैं टाउन में हूँ। ग्राफ पूरा स्मूथ तो नहीं है, लेकिन इतना भी खराब नहीं है। तो आपको ये 40 FPS से 60 FPS तक होगा, तो मेरा मीन्स लाइक एडवाइस है कि आप इसे 40 FPS में लॉक करके खेलिए। स्पिन टेस्ट करते हैं, देखिए टाउन में स्पिन टेस्ट, थोड़ा बाहर जाके अब देखते हैं। A thousand pardons, but the battery requires your prompt appearance at the Proxy Queen's court. मैं इसे सुपर स्मूथ तो नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आप इसका मीन्स लाइक अगर आप इसका क्या बोले, आपको मीन्स लाइक मैं ये दिखा देता हूँ, ये है इसका सेटिंग्स। ये हाई पे है, आप इसे लो भी कर सकते हैं, FSR मोड में ऑफ करके रखा हूं। तो आप इसे खेल खेल इसे मीन्स लाइक टेस्टिंग वेस्टिंग करके आप देख सकते हैं, आप सेटिंग्स आप बदल सकते हैं और ऑप्टिमल चूज कर सकते हैं। मैं जस्ट मीन्स लाइक इसे नॉर्मल में मीन्स लाइक इसके डिफॉल्ट में खेल रहा हूँ, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ मैं सब गेम में जो गेम यूजली नॉर्मली चूज करता है, और स्ट्रीम डेक का जो फैक्ट्री सेटिंग में उसमें गेम कैसा रन करता है, वो मेरा मीन्स लाइक मकसद है। इसलिए मैं यूजुअली मीन्स कुछ चेंज नहीं करता हूँ, एक्सेप्ट फॉर फ्यू सेटिंग्स में बोला था ना, मीन्स जिसके मोशन ब्लर ऐसा होने से मैं वो चेंज करता हूँ। एक मैं यहाँ पे पास में कोई डेल्व है, मीन्स डेल्व में जाके मैं दिखाता हूँ मीन्स लाइक कॉम्बैट्स उस टाइम में फ्रेम ड्रॉप्स क्या होता है या नहीं। तो ये हाँ 40 से 60 के बीच में होते रहता है ये अभी। Thank you for heeding my call. The fleet said. Oh, not since I was very young. हाँ, मुझे ब्लैकवुड में जाना चाहिए, ब्लैकवुड में जाके मैं मेरा जो कॉम्पेनियंस है उसे अनलॉक करना चाहिए मुझे।
अच्छा मैं कॉम्बैट में दिखा देता हूँ कैसा होता है। ये मेरा असासिन टाइप कैरेक्टर है तो ये बहुत ही अच्छा है, मीन्स लाइक स्टेल्थ में। मैं पूरा नहीं खेलूंगा क्योंकि पूरा खेलने से बहुत ही टाइम चल जाएगा। ग्यारह मिनट तो हो गया, तो आप देख सकते हैं कि मुझे एक डंजन खेलना था लेकिन वो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये एक इंस्टेंस है ना, तो ये थोड़ा हाँ, तो एफएक्स थोड़ा हुआ है तो आपको देख सकते हैं एफएक्स। तो इतना कुछ मीन्स लाइक कैसा बोलूँ, ये प्रॉब्लम नहीं है, मीन्स लाइक कुछ ना स्टटरिंग उटरिंग तो नहीं हुआ। हाँ थोड़ा फ्रेम ड्रॉप थोड़ा हुआ होगा शायद, मैं ख्याल नहीं किया क्योंकि मैं गेम में इंटरेस्टेड था इसलिए। लेकिन आप देख सकते हैं आप आराम से एल्डर स्क्रोल ऑनलाइन विदाउट एनी प्रॉब्लम आप खेल सकते हैं स्टीम डेक में। और इंस्टॉलेशन का जो है वो मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको कुछ सोचना नहीं है। तो इसी के साथ मैं अभी मेरा ये वीडियो अंत करता हूँ। मैं सोचा था 10 मिनट के अंदर हो जाएगा, यानी 12 मिनट हो गया, अभी 13 मिनट हुआ। तो हाँ, तो आप निश्चिंत हो के एल्डर स्क्रॉल अगर आपके पास है तो आप इससे खेल सकते हैं। मैं एग्जिट कर लूँगा, नहीं से वो रिस्पॉन हो के मुझे मारना शुरू हो जाएगा कैरेक्टर्स, आई मीन्स लाइक एनिमीज। तो मैं क्या कहना चाहता था, तो एल्डर स्क्रॉल आप बिना ऑनलाइन बिना कुछ चिंता हुए आप अगर आपके पास है तो आप स्टीम अगर स्टीम डेक में आप खेल सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप आराम से जब ये बहुत ही टाइम सेल में जाते हैं आप सेल में से खरीद ले और इसे आराम से स्टीम डेक में खेल सकते हैं। और एज फॉर द इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम, मैं अगेन ये तीसरी बार मैं रिपीट करता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मैं दे देता हूँ जो आप देख के इस गेम को इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये गेम खेलने में ये याद करें कि आप लॉन्चर को हर टाइम ऑफ करिए, नहीं से आपको गेम खेलते खेलते आपको बहुत स्टटरिंग होगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो अभी ये बंद कर ये समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, नमस्कार।